3 मई से शुरू हुई मणिपुर हिंसा को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 अगस्त को इसी हिंसा में मारे गए कुकी जो समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाएगा। इस बीच बिष्णुपुर चूरा चांदपुर जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा गया है। 2 अगस्त की देर रात अफवाह फैली कि कुछ जो कुकी लोगों के शव दफनाने के लिए बाहर ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद इम्फाल के 2 अस्पतालों के पास भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस भीड़ को शांत करने में कामयाब रही। इम्फाल के इन दोनों अस्पतालों की मॉर्चुरी में ही इम्फाल घाटी में जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के कई शव रखे हुए हैं। किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यहां असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 3 मई को मणिपुर में मैतई समुदाय को SC में दर्जा दिलाए जाने की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। इसके बाद वहां जातीय संघर्ष भड़क उठा। तब से लेकर अब तक मणिपुर में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।